सभी जालौर वासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने कोरोना की लड़ाई में अभी तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और किसी भी कार्य में जिसमें प्रशासन ने आपसे निवेदन किया हो आपने सहयोग किया है, जिससे कोरोना काफ़ी हद तक हम नियंत्रित कर पाए हैं। पिछले कुछ दिनों से देखने में आया कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो भी ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में सर्दी के कारण, बढ़ते प्रदूषण के कारण और विशेष रूप से पटाखों के धुएं के कारण और कोरोना के केसेस और उसके कारण मृत्यु दर के बढ़ने की संभावना है। तो आपसे निवेदन है कि जो दो नारे राजस्थान द्वारा दिए गए हैं, जिसमें पहला है मास्क ही वैक्सीन और दूसरा है नो मास्क नो एंट्री, आप उसकी अक्षरक्ष पालना करें और ये जो जन आंदोलन कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा है इसको आप सफलतापूर्वक इसका निर्वहन करने में हमारा सहयोग करें। पटाखों पर, क्योंकि कोरोना के केसेस के बढ़ने की संभावना है तो राजस्थान सरकार द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, तो आपसे उसमें भी मेरा निवेदन है कि आप पटाखों पर जो बैन लगाया गया है उसकी आप पालना करें और इसी से आप स्वयं अपनी और अपने पड़ोसियों की और अपने रिश्तेदारों की आप सुरक्षा कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि कोरोना एक पैंडेमिक है और पैंडेमिक की लड़ाई जो है वो स्वयं सरकार के सरकारी तंत्र के माध्यम से नहीं लड़ी जाती, इसमें जन सहयोग भी बहुत चाहिए होता है। तो आपसे निवेदन है कि इस जन आंदोलन जो कोरोना के खिलाफ हम चला रहे हैं इसमें आपने अभी तक बहुत अच्छा सहयोग किया है, इसको आगे बनाए रखें। और इसमें हमारे तीन मुख्य घटक हैं, जिसमें प्रथम है मास्क पहन रखें, दूसरा है बार बार हाथ धोएं और तीसरा है सामाजिक दूरी बनाए रखें। आप इसकी पालना करें ताकि कोरोना की जो महामारी है इससे हम बच सकें। दो विशेष बिंदु मैं त्योहारी सीजन के लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा। पहला, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है तो इसमें आप कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसमें प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। एक विशेष निवेदन है कि दिवाली, क्योंकि दीयों का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है, तो आप जो लोकल हमारे कारीगर हैं उनके माध्यम से निर्मित जो दिए हैं और मोमबत्तियाँ हैं उसको अवश्य खरीदें। इससे उनको सबल मिलेगा और उनको रोज़गार मिलेगा और कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो उनका कारोबार, जो लोकल हमारे कारीगर हैं उनका जो कारोबार थोड़ा सा स्लो पड़ा था उसमें भी उनको उससे उभरने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।